नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। काफी सारे ट्रेडर्स का फेवरेट है ये स्टॉक एंड इन्वेस्टर्स का भी। रिसेंटली इस स्टॉक ने अच्छा मुनाफा बना के भी दिया, बट अभी कुछ करेक्शन आ गई है। स्टॉक अराउंड आपको 109.75 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया कल यानी फ्राइडे के सेशन में। इस शेयर की बात करें तो लगभग 3 महीने में इस स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे लोअर एंड से, तो बढ़िया मुनाफा बना के दिया था। अब तो पूरी गेंस गिव अप कर दी है स्टॉक ने, लेकिन अभी भी लगभग 4% का मूव है 3 महीने में। अगर टॉप देखें तो स्टॉक 124 का लगा के आया है एंड अभी दोबारा से प्रीवियस लो 108.75 का जो है वो टेस्ट करके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या नीचे जाएगा, गिरावट में लेने के मौके ढूंढे, या फिर इस स्टॉक से निकल जाना एक बेटर ऑप्शन है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका ब्रॉडर बड़ा चार्ट देखूंगा, अगर 6 महीने 1 साल का, तो इसमें एक बड़ी गिरावट हुई थी अराउंड 140 के लेवल से। स्टॉक ने नीचे में 83 रुपीज तक के लेवल्स दिखाए एंड स्टॉक उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया एंड साइडवेज हुआ, फिर हायर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन दिखाया स्टॉक ने। स्टॉक की बात करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। रिसेंटली अगर आप देखें कल HRC स्टील के दाम में लगभग 3% की शानदार तेजी बनी है। अब ये HRC स्टील क्या है पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। HRC स्टील यानी कि हॉट रॉयल कोल स्टील, तो यहां पे तेजी बनने का डायरेक्टली बेनिफिट होता है स्टील कंपनीज को, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे वो JSW स्टील हो। तो टाटा स्टील में हो सकता है मंडे के सेशन में आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, अगर बाजार नॉर्मल टू पॉजिटिव रहते हैं तो। बाकी इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, इस पे डेट अच्छा खासा है एंड इस कंपनी की AGM में कंपनी का मैनेजमेंट क्लियर कट कहता हुआ दिखाता कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अपने कंपनी के डेट को एकदम खत्म कर दें, हमारा फोकस है ग्रोथ पे और हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी 1 के नीचे अराउंड 0.8-0.7 के समथिंग है। मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूं इन पे डेट कितना है, तो वो लगभग 87,000 करोड़ का है और रिजर्व्स 1,06,000 करोड़ के हैं। तो डेट अंडर कंट्रोल है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कंपनी के पास लगभग ट्रेड रिसीवेबल्स 9,000 के हैं और इन्वेंट्रीज 57,000 करोड़ की पड़ी है। तो नो डाउट फंडामेंटल्स तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रांग है और डेट को लेकर कंपनी क्लियर कहते हुए दिखी है कि हम हर साल लगभग 100 बिलियन कहीं ना कहीं कम करेंगे, यानी कि सॉरी 7-8 हजार करोड़ रुपए हर साल रिड्यूस करेंगे, महीने नहीं साल, हर फाइनेंशियल ईयर में 7-8 हजार करोड़ का इनका डेट रिडक्शन का टारगेट है एंड 12,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ ये केपेक्स में लगाएंगे और इन्हें अगर कोई अच्छा विकल्प और अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ये इससे ज्यादा भी केपेक्स में लगा सकते हैं। हो सकता है ऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकता है किसी को डायरेक्ट खरीद लें, एक्वायर कर लें, या फिर अपने ही काम को और आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। बट कंपनी क्लियर कट कहते हुए दिखे कि हम हर साल 12-14 हजार करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं या फिर एक्विजिशन एंड डेट को लेकर हमारे इतने ऐसे कोई प्लान नहीं है कि एक साथ सारा डेट खत्म करना है, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है हमारी कंपनी को ग्रो करना, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर कट बात है। अब आए अगर ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो प्रीवियस लो है जो कि रिसेंटली लगा है 108.75 का, उसी का स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड करें। अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक आपके लिए 105 से लेकर 104 रुपए तक के लेवल्स नीचे में दिखा सकता है। अब बात करें आगे तो 33.90% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, FIIs 21.87% होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ बिल्कुल फ्लैट है। DIIs की बात करें तो 19.62% का स्टेक DIIs के पास है। पब्लिक अराउंड 24% होल्ड करती है यहाँ पे। तो नो डाउट स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड क्वालिटी भी है, आपको पता ही है। बट मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेश कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में ना टाटा स्टील ने उतना बड़ा मुनाफा बना के दिया नहीं है। इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी 1-2 बार और शेयर कर चुका हूँ, जहां पे लोगों ने कहा है कि टाटा जी पे हमें पूरा भरोसा है। देखिए भरोसा मुझे भी भरोसा है, बट आंकड़े कुछ और कहते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टाटा स्टील के रिटर्न्स का चार्ट देख रहा हूं मैं। 10 साल की बात करें तो लगभग 237% के रिटर्न्स है केवल। स्टॉक ने 4.5% की डिविडेंड यील्ड रखता है, तो मैं इसको 4.5 ही ले लेता हूं। वैसे लाइफ टाइम इसकी 4.5 नहीं है, 2-4% थी, अभी 4.5 हो गई है। मैं लेकिन 4.5 भी लू तो 46% ये हो गया, 237 वो हो गया, मैं राउंड कर देता हूँ 300।
300% के रिटर्न टाटा स्टील ने दिए हैं। अगर मैं कंपेयर करूंगा ऐसे JSW स्टील जो कि इसी के पीयर ग्रुप में आ जाएगी, तो उसने आपका बहुत बड़ा पैसा बनाया इन कंपैरिजन ऑफ टाटा स्टील। यहां मैं ये नहीं कहूंगा टाटा स्टील छोड़ के आप JSW स्टील खरीदो, या फिर मैं ये नहीं कह रहा JSW स्टील बेस्ट है, मैं एक निवेशकों के लिए जो सामने दिख रहा है वो बता रहा हूं। JSW स्टील लगभग 816% के रिटर्न देता हुआ दिखा है आपको पिछले 10 साल में, प्लस 2.5% का रिटर्न, यानी कि 2.5% की डिविडेंड यील्ड, सॉरी 25% ये और लगा दो आप, तो आप ये खुद विजिबली देख आराम से देख सकते हैं, विजिबल है आप सभी को, चार्ट ओपन करके आप देखिए, मीजर करिए JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, स्टील से स्टील को कंपेयर करना ऐसा नहीं होना चाहिए, आप टाटा स्टील को हिंडालको से कंपेयर कर रहे हो, वो एक एल्यूमिनियम काउंटर है, ये एक स्टील काउंटर है, दोनों मेटल बट काम दोनों का अलग अलग है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं व्यू है आपके साथ शेयर करा मैंने, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।